जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और आज के लेक्चर में हम प्लांट्स के अंदर फूड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है उस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। इस प्रोसेस के हवाले से हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, जो बुनियादी तौर पे एक्सप्लेन करता है कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। हम उसकी बात करेंगे आज। और प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करता है, वन इज सोर्स एंड अदर वन इज सिंक। इन दोनों के हवाले से भी बात करें। देखिए बेटा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वाटर की ट्रांसपोर्ट की बात की, और हमने ये देखा कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होती है वो तो होती है भाई, एक स्पेशल टिश्यू है जिसको कहते हैं जाइलम, उसके थ्रू होती है। ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि जो वाटर की ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम के थ्रू होती है, और जो फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है बेटा, जिसको फूड की जो ट्रांसपोर्ट है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिसको फ्लोएम कहते हैं उनके थ्रू। तो इन इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वाटर की ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू और फूड की ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू। और हमने ये भी पढ़ा है कहीं ना कहीं कि इन दोनों टिश्यूज को मेरा बच्चा वास्कुलर टिश्यूज कहते हैं। नाउ इन द लास्ट लेक्चर हमने ये पढ़ा था कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है जिसको हम कोहेरेंट टेंशन थ्योरी कहते हैं। सिमिलरली ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस एक्चुअली, और उस हाइपोथेसिस को हम कहते हैं बेटा प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। अब इस प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले मैं जरा ये चाहूंगा कि हम ये अंडरस्टैंड कर लें कि पौधे के पास फूड आई कहां से। ठीक है, देखिए वाटर के केस में ना हमने ये पढ़ा कि एक तरफ से पानी आ रहा है, इनटेक हो रही है, फिर पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और फिर पानी एक्सपोर्ट हो रहा है, रिमूव हो रहा है। फूड का केस ना थोड़ा सा मुख्तलिफ है। फूड में पहली बात तो ये है कि कोई इनटेक नहीं, प्लांट फूड की इनटेक नहीं करता, रादर ये अपने फूड ना खुद बनाता है। और ये जो फूड प्रोडक्शन है ये होती है मेरा बेटा ड्यूरिंग अ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये प्लांट के स्पेशलाइज्ड सेल्स में होता है जिनको हम कहते हैं जनाब मेसोफिल सेल्स। ये मेसोफिल सेल्स जो हैं, हमने लीव की स्ट्रक्चर भी ड्रॉ की थी, तो ये लीव के लीव में होते हैं बुनियादी तौर पे, जो है एपिडर्मस उसके नीचे होते हैं मेसोफिल सेल्स। और इन मेसोफिल सेल्स में ये फूड प्रोडक्शन होती है। अब प्लांट के अंदर जितनी भी फूड बनती है ना मेरा बेटा, वो बनती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज वो प्राइमरी मॉलिक्यूल है जिसकी फॉर्म में फूड बनती है। फूड बन गई, अब उस फूड से प्लांट दो काम लेगा, कुछ ना कुछ फूड तो प्लांट यूज कर लेगा अपनी रेस्पिरेशन में, वहां पर ही मेसोफिल सेल्स के अंदर ही अपनी रेस्पिरेशन में प्लांट और उस फूड को यूज कर लेगा जो फूड उसको चाहिए। अब अपनी अपने यूज के बाद जो खुराक उसके पास बचेगी वो उस खुराक को बेटा ग्लूकोज से कन्वर्ट कर देगा सुक्रोज में, वहां पर ही। ये सारा कुछ मेसोफिल सेल्स में हो रहा है भाई। खुराक बनी, लेट्स से 50 ग्राम बन गए, फॉर एग्जांपल जी 50 ग्राम बन गए, उनमें से 20 ग्राम जो थे वो रेस्पिरेशन में यूज हो गए और 30 ग्राम मेसोफिल सेल के पास बच गए। तो मेसोफिल सेल 29 ग्राम को कन्वर्ट कर देगा सुक्रोज में, और फिर सुक्रोज को जो है बुनियादी तौर पे स्टोर किया जाएगा प्लांट के अंदर। अब ये जो स्टोरेज है इसको बुनियादी तौर पे हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्ट। अब आ जाइए प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म पे कि ये प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म बुनियादी तौर पे है क्या और ये कहता क्या है। भाई ये कहता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है, या जो फूड है, इट ट्रेवल्स From source to sink in plant. Plant के अंदर जो movement of food है बेटा वो होती है source से sink की तरफ। Now the next question will be कि source क्या है और sink क्या है। आइए जरा इसकी भी बात कर लेते हैं भाई। ये जो पहले हम बात करेंगे कि ये जो सोर्स है ये क्या चीज होती है। चलिए, तो हियर वी हैव द सोर्स। भाई सोर्स की दो डेफिनेशन, दो पॉसिबिलिटीज हैं उन जगहों की जिनको हम सोर्स कहते हैं। देखिए बुनियादी तौर पे सोर्स और
थिंग जो है ये प्लांट के अंदर ही होंगे ना। तो हम कहते हैं कि एन ऑर्गन वेयर फूड इज प्रोड्यूस्ड, जहां फूड बन रही है, ठीक हो गया, वो ऑर्गन जहां पे फूड बेटा बन रही है, या स्टोरिंग ऑर्गन, सॉरी, या स्टोरेज ऑर्गन, या वो ऑर्गन जहां पर फूड स्टोर है, उन दोनों ऑर्गन्स को हम सोर्स कहेंगे। फूड बनती कहां है जी? फूड बनती है मेरा बेटा लीव्स में। फूड इज प्रोड्यूस्ड इन लीव्स, तो लीव्स जो है आपके वो सोर्स हो सकते हैं। अब ये स्टोरेज वाली जो कहानी है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, स्टोरेज ऑर्गन उस वक्त सोर्स होगा जब उसके अंदर फूड स्टोर हो गई है, जब उसके अंदर फूड स्टोर हो गई है उस वक्त वो सोर्स हो जाएगा। जब तक उसके अंदर फूड स्टोर होगी नहीं ना, उसको हम सोर्स नहीं कह सकते। मैं आपको आगे जाके बता। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास टर्म है, दैट इज ऑफ सिंक। कि भैया सिंक क्या है? सिंक के बारे में सुन लीजिए कि या तो ग्रोइंग ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स यहां पर जहां पर कोई ग्रोथ हो रही, उन ग्रोइंग ऑर्गन्स को हम कहेंगे सिंक है जी। फॉर एग्जाम्पल भाई फ्लावर बन रहे हैं, अगर कहीं फ्रूट बन रहा है, अगर कहीं कोई न्यू बर्ड्स बन रही हैं, ब्रांचेस बन रही हैं प्लांट के अंदर, तो ये सारे के सारे पार्ट जो होंगे दे विल बी बेसिकली द सिंक, जहां पर खुराक की जरूरत है। दूसरी बात देखिए, ध्यान से देखिएगा आप जरा, स्टोरिंग ऑर्गन या स्टोरेज ऑर्गन। स्टोरेज ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन जहां खुराक स्टोर हो रही है। अब बात समझ आएगी। स्टोरेज ऑर्गन को हम सिंक भी कह सकते हैं, सोर्स भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में है। खुराक जब उसमें स्टोर हो रही होगी तो वो होगा सिंक, जब खुराक स्टोर हो जाएगी तो वो जो है बेटा सोर्स बन जाएगा। इसकी एग्जांपल पर, इसमें हमारे पास एग्जांपल है जी रूट ऑफ बीट। जो बीट है, बीट की जो रूट है, अब इसके बारे में बड़े इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, और वो सिनेरियो ये है कि इट इज, जब इसका पहला ग्रोइंग सीजन होता है, व्हेन इट इज इन फर्स्ट ग्रोइंग सीजन, तो अपने पहले ग्रोइंग सीजन में ये एज अ सिंक बिहेव करता है। इस रूट के पास खुराक होती नहीं है, तो खुराक इसके पास आती रहती है, स्टोर करती है। जब पहला सीजन गुजर जाता है और खुराक ये कंप्लीटली स्टोर कर लेती है, तो फिर आ जाता है जनाब दूसरा सीजन। जो बीट है ना, उसका जो लाइफ साइकिल है वो दो ग्रोइंग सीजन से मुश्किल है। इन द सेकेंड ग्रोइंग सीजन में यही जो बीट की रूट होती है, ये एज अ सोर्स बिहेव करती है, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ द स्टोरेज ऑर्गन कैन बी सोर्स और कैन बी। तो ये दोनों टर्म्स भी हमने डिस्कस कर। अब मेरा बच्चा सवाल ये है कि सोर्स से सिंक की तरफ खुराक पहुंचेगी कैसे, ये ट्रेवलिंग कैसे होगी? तो ध्यान से सुनिएगा जी, ये अब ये जो ट्रेवलिंग है, ये सारी की सारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेस्ड होगी। सबसे पहले खुराक ने सोर्स से मूव करना होता है फ्लोएम में, ठीक है, और ये जो मूवमेंट होती है खुराक की सोर्स से फ्लोएम में, यानी लीव से फ्लोएम टिश्यू में, ये होती है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिवली खुराक को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्लोएम। अब फ्लोएम में खुराक आ गई है, फ्लोएम में फूड ट्रेवल करेगी ऊपर से नीचे, और जब वो पहुंच जाएगी सिंक तक, तो फिर उसको ट्रांसफर होना होगा फ्रॉम फ्लोएम टू सिंक। अब यहां पर फिर दोबारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट खुराक जो है वो मूव हो जाती है इन टू द सिंक। सो दिस इज हाउ सोर्स टू फ्लोएम में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, फिर नीचे दोबारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और फ्लोएम जो है वो सिंक में फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है। आज के लेक्चर की आखिरी बात इज एक्चुअली द कंपैरिजन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जो फ्लोएम है ना, याद रखिएगा, फ्लोएम में टू वे मूवमेंट होती है, यानी ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर। बट जो जाइलम है ना बेटा, उसके बारे में आपने याद रखना है कि उसमें वन वे मूवमेंट होती है, यानी सिर्फ नीचे से ऊपर।
ऊपर से नीचे किसी भी चीज की मूवमेंट नहीं हो सकती, जो फ्लोएम है उसमें टू वे मूवमेंट होती है, ऊपर से नीचे भी नीचे से ऊपर भी। इन जाइलम दिस इज द केस, जाइलम में सिर्फ वन वे मूवमेंट ही होती है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को डिटेल से डिस्कस किया है, इसको एक्सप्लेन करता है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, और प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म ये कहता है खुराक ट्रेवल करती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू नेक्स्ट क्लास।